हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शंकर जी के जीएस क्लास। शिव शंकर जी के जीएस में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का केमिस्ट्री चल रहा था, आज के केमिस्ट्री क्लास में आपका है तत्व। क्या है तत्व? अयस्क और उसका रासायनिक सूत्र, कि कौन सा तत्व के उसका अयस्क क्या है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, आपका कुछ तत्व का नेम दिया गया है और इसका अयस्क भी बताया गया, रासायनिक सूत्र भी बताया गया। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है एल्यूमिनियम। कल आपका जो टेस्ट हुआ था उसका पीडीएफ व्हाट्सएप पे सबको मिल गया है ना? अगर नहीं, जिसको मिला व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लीजिएगा। और जो भी बच्चा अभी तक टेस्ट नहीं दिया है ना सामान्य ज्ञान का, जीके का, वो टेस्ट दे दीजिएगा। पारा मेडिकल के लिए खास करके टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना? टेस्ट का लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट का लिंक मिलेगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना? और आपका 30 तारीख को यानी 30 जुलाई को याद रखिएगा, लिख लीजिए कि 30 जुलाई को आपका टेस्ट है साइंस का, विज्ञान का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन रहेगा। समझ गए ना? किसे? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन रहेगा साइंस का। 30 जुलाई को टेस्ट होगा ऑनलाइन, बिल्कुल वैसा ही जैसा कल हुआ था लाइव। कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं, आपका रिजल्ट तुरंत आएगा। तो देखिए, यहां पे पहला है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। तो बोल रहा है एल्यूमिनियम, इसको किससे सूचित करते हैं? एल से। इसका संकेत एल्युमिनियम का एल, एल जहां लिखा हो समझिए एल्युमिनियम लिखा हुआ है। तो इसका एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। क्या होता है? बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। याद रखिएगा कि एल्युमिनियम के तीन अयस्क कौन? बाकोक्रा, बाकोक्रा। क्या? बाकोक्रा। देखिए यहां पे हम आराम से कि बक्सा, कोरंडम, कोलाइट। क्या? बक्सा पढ़िए, बक्सा, कोरंडम, कोलाइट, यानी बॉक्साइड, कोरंडम, कोलाइट, क्रायोलाइट। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो देखिए, बॉक्साइट, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है Al2O3 × 2H2O। क्या लिखा हो? बॉक्साइट, ध्यान दिया, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 × 2H2O। उसके बाद कोरंडम, कोरंडम का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। क्या? Al2O3 H2O। क्या लिखा हो? Al2O3 × H2O। याद रखिए कोरंडम का। उसके बाद क्रायोलाइट का, क्रायोलाइट का होता है Na3AlF6। क्रायोलाइट का। उसके बाद है लोहा, उसके बाद है लोहा, लोहा का संकेत Fe मतलब लोहा। इसका अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O4। Fe2O4 हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe2O4। उसके बाद है तांबा, तांबा का संकेत होता है Cu। इसका अयस्क होता है तांबा का कॉपर ग्लास। क्या? कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट्स, दुगो तांबा का दो अयस्क, कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट्स। कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र Cu2S और कॉपर पायराइट्स का रासायनिक सूत्र CuFeH2। लिख लीजिए इसको। उसके बाद है जस्ता, उसके बाद है जस्ता, जस्ता का संकेत होता है Zn। इसका अयस्क होता है, जस्ता का तीन अयस्क होता है, लेकिन ऐसे दो ही होता है। तो दो होता है आपका जिंक ब्लेड, एक होता है एक कैलामाइन। तो कैलामाइन को ही बोला गया है जिंक स्पार। क्या? क्या पहला जो होता है जिंक ब्लेड आपका किसका? जस्ता का जिंक ब्लेड, एक कैलामाइन, यानी कैलामाइन को ही बोला गया जिंक स्पायर, इसलिए लिखा गया कैलामाइन या जिंक स्पायर। तो देखिए जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड का रासायनिक सूत्र होता है ZnS और कैलामाइन या जिंक स्पायर का रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। उसके बाद है सोडियम,
सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का अयस्क होता है रॉक साल्ट। क्या? रॉक साल्ट और सोडियम कार्बोनेट दोगो। सोडियम का दो अयस्क, रॉक साल्ट और सोडियम कार्बोनेट। तो रॉक साल्ट बोलते हैं किसको? सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट का रासायनिक सूत्र हो गया NaCl और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो गया Na2 × 10H2O। ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम। उसके बाद है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत होता है के। कैसे सूचित करते हैं किसको? पोटेशियम को। और इसका अयस्क होता है दो अयस्क, पहला कार्नोलाइट। क्या? कार्नोलाइट। उसके बाद दूसरा होता है सोरा। याद रखिएगा पोटेशियम का दो अयस्क कार्नेलाइट और दूसरा सोरा। तो कार्नेलाइट जो होता है, कार्लेन लाइट का रासायनिक सूत्र होता है KCl MgCl2 × 6H2O। क्या? KCl MgCl2 × 6H2O कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र। और सोरा का रासायनिक सूत्र होता है KNO3। क्या होता है सोरा का? KNO3। अब उसके आगे है सीसा। कह रहा है यहां पे है अगला सीसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं? लेड। अगला है सीसा। क्या है? सीसा, जिसको संकेत किसे सूचित करते हैं? पीबी से। सीसा को किसे सूचित करते हैं? पीबी से। तो देखिए सीसा का अयस्क जो होता है वो होता है अयस्क गैलेना। क्या होता है? गैलेना। और गैलेना का रासायनिक सूत्र होता है PbS। क्या होता है? PbS। इसको लिख लीजिएगा। ये सभी जो हम बता रहे हैं ना आपको रासायनिक सूत्र अयस्क और तत्व, ये इंपॉर्टेंट है पारा मेडिकल के, जितना अभी तक पूछा गया ना पारा मेडिकल एग्जाम में, बस इतना ही में से पूछा गया है और आगे इतना ही में से पूछेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यही पारा मेडिकल 2020 के लिए। एक क्वेश्चन रहेगा इसमें से, ज्यादा नहीं एक। उसके बाद है टीना। क्या है? क्या है? टीन। टीन को किसे सूचित करते हैं? संकेत क्या है इसका? तो इसका संकेत है SN। SN से टीन को सूचित करते हैं। और टीन का अयस्क होता है टीन पाइराइट्स। क्या होता है? टीन पाइराइट्स। और दूसरा होता है कैसीटेराइट। क्या? पहला टीन पाइराइट्स और दूसरा कैसीटेराइट। तो टीन पाइराइट्स का होता है टीन पाइराइट्स, इसका होता है रासायनिक सूत्र Cu2FeSnS4। Cu2FeSnS4 किसका? टीन पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र। और कैसीटेराइट का रासायनिक सूत्र होता है SnO2। कैसीटेराइट का क्या होता है? SnO2। उसके बाद आता है चांदी। चांदी का संकेत होता है Ag। क्या? Ag। इसका होता है अयस्क चांदी का वो एक ही होता है सिल्वर ग्लास। क्या? सिल्वर ग्लास। और इसका होता है रासायनिक सूत्र Ag2S। उसके बाद है सोना, जिसका संकेत है Au। और सोना का अयस्क होता है, सोना का अयस्क कैल्वेराइट। क्या होता है? कैल्वेराइट और पेटसाइट दो होता है। सोना का दो अयस्क कैल्वेराइट पेटसाइट। तो कैल्वेराइट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र कैल्वेराइट का Au(Te2)। देखिए इसको समझना, Au(T) ओकर बाद स्मॉल ई और टू है, तो कैपिटल टी का स्मॉल टी मत कर दीजिए गड़बड़ा जाएगा। तो Au(Te)2 किसका? कैल्वेराइट का। और पेट साइट का होता है रासायनिक सूत्र पेट साइट का Ag Au2। क्या? Ag Au2 और कैपिटल टी स्मॉल ई होता है। ठीक। उसके बाद आता है आपका पारा। पारा का संकेत होता है Hg। पारा को संकेत Hg से पारा को सूचित करते हैं। तो इसका दो अयस्क होता है, पारा का भी दो अयस्क, पहला होता है सिनेबार दूसरा कैलोमल। पहला सिनेबार दूसरा कैलोमल। सिनेबार का होता है रासायनिक सूत्र HgS। सिनेबार का रासायनिक सूत्र HgS।
काइलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Ag2Cl, क्या Ag2Cl। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को Mg से सूचित करते हैं। Mg किसका संकेत है? तो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का दो अयस्क, पहला अयस्क डोलोमाइट और दूसरा अयस्क कार्नेलाइट। देखिए कार्नेलाइट जो अयस्क है ये मैग्नीशियम का है, और साथ में अभी पिछले बार अभी कुछ देर पहले बताए कि कार्नेलाइट पोटेशियम का भी है ना अयस्क। तो डोलोमाइट, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है MgCO3 इंटू CaCO3, क्या MgCO3 इंटू CaCO3। और कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। उसके बाद आता है कैल्शियम। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम को Cs सूचित करते हैं। इसका दो अयस्क, कैल्शियम का दो अयस्क, पहला होता है लाइमस्टोन, पहला लाइमस्टोन और दूसरा डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन का जो होता है रासायनिक सूत्र वो होता है CaCO3, CaCO3। और डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 इंटू MgCO3। डोलोमाइट का क्या? CaCO3 इंटू MgCO3। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र तत्व और उसका अयस्क, जो हमेशा पैरामेडिकल इसी से पूछता है, इसी में से एक क्वेश्चन रहेगा 2020 में भी रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा।